कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से नए ब्लॉग में और आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से असोच के महीने के साथ हमारे खेत देख सकते हो धान पकने स्टार्ट हो चुके हैं। अब जल्द ही धान कटना प्रारंभ हो जाएंगे और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपने खेतों के नज़ारे और पहाड़ों के दृश्य। दोस्तों देख सकते हो आसमान में लगे हुए हैं बादल और कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो धान पकना स्टार्ट हो चुके हैं और असोच का महीना लगने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है खेतों को देखने के बाद। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से पहाड़ों में धान की बाली और किस तरीके से खेतों में धान ये लगाते हैं और इनकी कटाई किस तरीके से की जाती है। आने वाले दिनों में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और बारिश की वजह से जगह जगह पर धान भी सारे लटक चुके हैं और कुछ इस नज़ारों के साथ हम आपको दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हो बारिश के साथ ही यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से धान लटकने लग गए हैं और नहर में पानी देख सकते हो अभी लगातार आ रहा है। जिस टाइम पर पानी चाहिए होता है उस टाइम पर पानी नहीं मिलता है और अभी पानी देखो कितना सारा आ रहा है। अभी दिखाते हैं हम आपको नहर। दोस्तों देख सकते हो पहाड़ों में काफ़ी शांत मौसम और ठंडी ठंडी हवा चलते हुए और ये सामने खेत है ये हमारा है जो कि धान अभी काफ़ी हरे हो रखे हैं। अभी टाइम लगेगा इनको पकने में। और एक खुशी की बात ये भी है हमारे गांव में देख सकते हो प्रकाश चाचा जी हैं हमारे हाट गांव में एक ट्रैक्टर और आ गया है जो कि कवाधार कारचुली झलना में ट्रैक्टर था। हमारे हाट गांव में ट्रैक्टर की आवश्यकता थी जो कि असोच के महीने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। और इसी के साथ हमारे गांव के चाचा ले आए ट्रैक्टर। और ये देख सकते हो धान इस तरीके से बारिश आने के बाद सरी से लटक रहे हैं और इन्हें काटने में कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को पता ही है। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे घर की तरफ। और दोस्तों देख सकते हो नहर में पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है और कितनी बार बोल दिया है बंद करने के लिए फिर भी नहर में पानी बंद नहीं हो रहा है। दोस्तों काफ़ी सुंदर अलघट मतलब इस बार मंडुए का भी काफ़ी अच्छा सम है जो कि काफ़ी अभी अच्छे यहाँ पर मंडुए की बाल आ रखी है। और यहाँ पर अभी भट सोयाबीन सब कुछ अभी हरे हो रखे हैं। ये है मंडुआ। यह है कुछ हाट गांव के नज़ारे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अम्मा इतने बड़े बड़े यहाँ पर तोरियाँ तोड़ रही है और अम्मा की काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर तोरी लग रखी है। ओ अम्मा तोरी तोड़म छा आज अच्छा तो अम्मा ने यहाँ पर इतनी सारी तोरी तोड़ दी हैं। अम्मा ने कितने दिनों से पता नहीं देखी थी तोरई और आज उनको तोरई देखने को मिल गई है।